सुल्तानगंज से जलवा उठा के देवघर को जा रहे हैं। तो अभी हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस ओवर ब्रिज के आगे। और ये दूसरा रास्ता है जो अभी उधर से कांवड़िया भक्त लोग जो है वो भी आ रहे हैं। अभी हम इस रास्ते से पैदल जा रहे हैं। और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं अभी सुबह का 7:30 बज चुका है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि देवघर लोग पैदल किस तरह से जाते हैं और बाबा का नगरी। और हम आपको पैदल यात्रा जो है सुल्तानगंज टू देवघर का लाइव वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो आप हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं अभी बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है कांवड़िया का। और इधर भी देखिए, इधर बहुत सारे दुकान जो है इसमें बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है। और ये दूसरा रास्ता है जो अभी उधर से कांवड़िया भक्त लोग जो है वो भी आ रहे हैं। अभी हम इस रास्ते से पैदल जा रहे हैं। और पैदल जाने का मतलब इधर देखिए, इधर भी आपका दुकान मिल जाएगा बहुत सारे रास्ते में चलने के बाद। ओवर ब्रिज का नज़ारा है। और ओवर ब्रिज पर अभी आप देख सकते हैं दोनों साइड से है जो बोलबम का नारा लगाते हुए कांवड़िया भक्त लोग जो है वो भी जा रहे हैं देवघर को। अभी सुल्तानगंज से अभी ओवर ब्रिज पे आए हुए हैं और आप ओवर ब्रिज का नज़ारा देख सकते हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे भक्त लोग जो है अभी सुल्तानगंज से पैदल जा रहे हैं। और मैं आपको सारा चीज़ जो है एक एक करके डिटेल्स इस वीडियो के अंदर देते रहूँगा। और ओवर ब्रिज का नज़ारा ऐसा है कि दोनों साइड जो इधर जो है बम लोग जा रहे हैं और उस साइड से भी बम लोग आ रहे हैं। अभी सुल्तानगंज जाने के लिए लोग जब जलवा उठाएंगे और उस साइड से जो भी लोग हैं वो भी आ रहे हैं जल चढ़ाने के लिए बाबा का। तो अभी हम ओवर ब्रिज से नीचे उतर रहे हैं और ओवर ब्रिज से नीचे उतरने का नज़ारा कैसे है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं जितने भी भक्त लोग कांवड़िया जो है अभी देवघर को जा रहे हैं सुल्तानगंज से जलवा उठा के, वो देखिए अभी ओवर ब्रिज से नीचे उतर रहे हैं। लाखों कांवड़िया जो है अभी जल लेके सुल्तानगंज से देवघर की ओर निकल चुके हैं। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ओवर ब्रिज से नीचे उतरने के बाद जो है यहाँ से कितने किलोमीटर देवघर बचता है। तो यहाँ से ओवर ब्रिज से नीचे उतरने के बाद जो है यहाँ से देवघर है 110 किलोमीटर। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 110 किलोमीटर देवघर यहाँ से है और बासुकीनाथ धाम जो है वो 155 किलोमीटर है। और अभी हम कच्ची सड़क की ओर आ गए हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये कच्ची सड़क है। ये कच्ची सड़क पे आने के बाद जो है आपको बहुत सारा दुकान मिलेगा खाने पीने के। अभी आप इधर देख सकते हैं इधर भी कवर उबर मिल सकता है। और इधर देखिए, इधर अब देखिए यहाँ कितना भीड़ का नज़ारा है। अभी बम लोग जो है अभी आगे पीछे डेरम रेला हो रहा है। ये देखिए ये दूसरा ओवर ब्रिज है जो कि अभी देख सकते हैं कितना भक्त लोग हैं और कितना भीड़ लगा हुआ है वो भी अभी आप देख सकते हैं। और भारी भरकर में भीड़ है। और अभी आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे कांवड़िया भक्त हैं जो अभी सुल्तानगंज से जलवा उठा के देवघर को जा रहे हैं। तो अभी हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस ओवर ब्रिज के आगे। तो अभी हम पहुंचेंगे, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि वहां क्या क्या नज़ारा है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं सड़क के किनारे बहुत सारे भिक्षुक बैठे हुए हैं। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, आप जो है वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और हम आपको सुल्तानगंज से देवघर का पैदल यात्रा जो है फूल आपको मैं दिखाऊंगा।